नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नरेश कौशल, दैनिक अर्थ प्रकाश ग्रुप की ओर से आज एक बार फिर ताज़ा समाचारों पर समीक्षा लेकर आया हूं। लेकिन समीक्षा को हम संक्षिप्त ही रखेंगे, क्योंकि आज कृषि से संबंधित दो तीन प्रमुख बातें या कहिए समाचार हैं। जहां तक अखबारों का संबंध है, भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान है कि देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर देश चल पड़ा है। दूसरा समाचार सुशांत की हत्या कहिए या के आत्महत्या, उससे संबंधित है, जो मामला कोर्ट में है। ईडी में उसकी जो प्रेमिका है उसकी सुनवाई चल रही है। तीसरा समाचार कोरोना से संबंधित है, लाखों की संख्या में लोग जो संक्रमित लोगों का जो नाम बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ सुखद बात यह भी है कि स्वस्थ होने वाले, उपचार से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। एक समाचार पंजाब में जो नकली शराब कांड हुआ है उससे संबंधित है। चंडीगढ़ के निकटवर्ती पंजाब का जो डेरावासी क्षेत्र है, वहाँ पे कई हजार जो लीटर है वो स्पिरिट मिला है, जो इस काम के प्रयोग में लाया जाता था, शराब के प्रयोग में। तो हम अब चर्चा करेंगे कृषि से संबंधित जो समाचार आज के समाचार पत्र में है। सबसे पहले एक रोचक बात, फरीदकोट के एक किसान हैं गुरप्रीत, उनका चित्र आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है सेंटर का, उसके एक ट्विटर पर उसका फोटो आया है। सरकार ने कृषि से संबंधित, ओपन मार्केट से संबंधित, वन नेशन वन मार्केट के नाम से एक अध्यादेश जारी किया था। उस अध्यादेश को लेकर एक विज्ञापन दिया, जिसमें फरीदकोट के किसान गुरप्रीत का चित्र छपा है। उसका ऐतराज़ है कि ये तो किसी और मुद्दे पर था, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जिस अध्यादेश के पक्ष में ये फोटो दिया गया, मैं तो उसके खिलाफ हूँ अध्यादेश के, इसलिए अगर इसे तुरंत ना हटाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, कल रविवार को प्रधानमंत्री ने एक फंड जारी किया, 1,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो किसानों को औद्योगिक नीति की तरफ ले जाने का एक कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। दूसरी बात, किसान निधि कोष, जो छठी किस्त किसानों को दी जाती है 2,000 रुपया, वो भी छठी किस्त प्रधानमंत्री के खाते से जो है फंड से वो भी जारी की गई। तो अब हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले क्या है 1,00,000 रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है? आज के अखबारों में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से ये सुर्खियों में समाचार रहा है। प्रधानमंत्री ने 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो लॉन्च किया है, उसको हम हिंदी में अगर कहें तो वो है कृषि अवसंरचना कोष। रविवार को मौका क्या था, हल षष्ठी के मौके पर प्रधानमंत्री ने 1,00,000 करोड़ का फंड जारी करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में कृषि सुधार की राह के बाद अब सरकार किसानों को सीधे उद्योगों से जोड़ने की तैयारी में है। मोदी जी ने कहा कि सरकार छोटे किसानों को पूरी तरह बिचौलिया और कमीशनखोरों से मुक्त करने में जुट गई है। एग्री फंड के माध्यम से वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग लगाने के लिए किसान समूहों को 2,00,000 करोड़ रुपए तक का जो ऋण है वो मिलेगा। हालांकि ये ऋण किसान समूहों के लिए है, लेकिन कृषि से जुड़े स्टार्टअप को भी जो है उनको भी इसका लाभ मिलेगा, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। इस लोन के ब्याज पर सरकार की ओर से 3% की रियायत भी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि किसान उद्योगपति बने, उनके हाथ में ताकत आए। पिछले दिनों किए गए कृषि सुधारों से किसान को अपनी जिनस किसी भी बाजार में
बेचने की जो छूट भी है वो दी जा चुकी थी। जैसे कि मैंने बताया कि अध्यादेश जिसके जो विवादास्पद बातें किसान कहते हैं कि हमें यह मंजूर नहीं है। अब संक्षिप्त में जो 1000 करोड़ का जो ये 1,00,000 करोड़ का फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी संक्षिप्त में हम इसकी विशेषताएं आपको बताना चाहेंगे। इस योजना के लिए 12 में से 11 सरकारी बैंकों ने कृषि मंत्रालय से प्रारंभिक समझौता किया है। योजना में 2 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी मिलेगी और ब्याज पर 3% छूट। इस वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ और अगले 3 वित्त वर्षों में 30,000 करोड़ के ऋण जो है किसानों को दिए जाएंगे, किसान समूहों को। ये लोन वेयर हाउसिंग, गोदाम, खाद्य संबंधी उद्योगों के लिए, कृषि से जुड़े स्टार्टअप को भी ये लोन यानी कि ये ऋण दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर इससे बदलेगी। एक देश एक मंडी का जो इस सरकार का लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। हाँ, इस बीच आपको ये भी बता दें, जैसे कि मैंने पहले जिक्र भी किया है कि रविवार को ही प्रधानमंत्री ने 8.5 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना की 6ठी किस्त जो है वो, और इस साल की जो दूसरी कह सकते हैं वो किस्त जो है वो ट्रांसफ़र कर दी किसानों के खाते में, जिसके जो रकम जो टोटल है वह 17,000 करोड़ रुपए। हर एक किसान के खाते में 2,000 रुपए की 6ठी किस्त जाएगी। और यहाँ ये भी बता दें कि यह योजना जो है 2019 फरवरी में शुरू हुई थी और किसानों को साल भर में 3 किस्तें 2,000 की यानी कि कुल 6,000 रुपया किसानों को देने का निर्णय है। अब बात करते हैं सरकार के ऑर्डिनेंसेस की। जैसे मैंने कहा कि जो वो गुरप्रीत जो फरीदकोट का किसान है उससे भी जुड़ी ये बात है। सरकार ने कुछ रोज पहले जो है मंडियों को लेकर कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस जारी किए जिनको सरकार का दावा है कि उससे किसानों को फायदा होगा, किसान किसी भी मंडी में जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो सरकार द्वारा जारी 3 अध्यादेशों के बारे में और उन पर किसान संगठनों की राय के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो ऑर्डिनेंस क्या है, उसका क्या नाम क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी ऑर्डिनेंस 2020। और अगला फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस, एक फार्मर्स सर्विसेज ऑर्डिनेंस। किसान संगठनों का, बहुत से ज्यादातर किसान संगठनों का यह आरोप रहा है कि सरकार ये अध्यादेश लाकर अनाज मंडियों को समाप्त करने पर तुली हुई है। और इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगाते हैं किसान संगठन कि सरकार जो है वो बड़े घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों को जो है जिस दिन लाए गए थे उस दिन भी किसानों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और इसको काला दिवस की संज्ञा दी थी। किसानों का यह भी कहना है कि इन अध्यादेशों से मंडी प्राइवेट हो जाएंगी, किसान अपनी मर्जी से जिन्स नहीं बेच पाएगा। अब हम बात करते हैं जो बड़ी रोचक कहानी कह सकते हैं फरीदाबाद के किसान की, उसके बारे में। आज के अखबारों में उस किसान गुरप्रीत की चित्र के साथ छपी है, फोटो छपी है और साथ में जो विज्ञापन ट्विटर पर कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया है अध्यादेश के पक्ष में, उसका चित्र भी प्रकाशित हुआ है। तो केंद्र सरकार का जो ट्विटर हैंडल है उस पर कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय का एक विज्ञापन छपा है जिस पर फरीदकोट के किसान ने आपत्ति की है। फरीदकोट के गुरप्रीत सिंह नामक इस किसान का कहना है कि वह रविवार सुबह 11 बजे के करीब ये विज्ञापन देखकर हैरान रह गया क्योंकि इस पर उसकी अनुमति के बिना उसका एक चित्र था और उनका दावा है कि यह चित्र उनका पुराना चित्र था। कैसा पुराना कैसे था उसकी भी उन्होंने व्याख्या की है। दरअसल वह गुरप्रीत का कहना है कि वह तो दरअसल इस अध्यादेश के खिलाफ है जबकि विज्ञापन में वो पक्ष में, चित्र पक्ष में बनता है जिस तरह का वो विज्ञापन है।
चंद बाजा गांव है गुरप्रीत का फरीदकोट जिले में, उनका कहना है कि इस अध्यादेश के पक्ष में जो चित्र छपा है, जो विज्ञापन छपा है, उसमें एक उसके खेत में वर्कशॉप की तस्वीर दिखाई गई है। अब उन्होंने बताया है कि दरअसल ये चित्र कब लिया गया था। उनका कहना है कि 2018 की ये तस्वीर है। दरअसल उन्होंने खेतों में पराली को लगे लगाए ही, पराली को बिना उठाए ही खेतों में गेहूं बीजने का एक प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन का बहुत से लोगों को पता चला तो तत्कालीन जो डीसी थे राजीव पराशर, उनको भी पता लगा, वो वहां पहुंचे और गुरप्रीत के ही मोबाइल से उसके दोस्त ने वो जो जिस तरह से वो बिजाई हो रही थी उसका वो चित्र उन्होंने खींच लिया और वो चित्र कृषि विभाग के अधिकारियों में काफ़ी शेयर हुआ और अखबारों की खबरें भी बना। अब गुरप्रीत का कहना यह है कि वो चित्र जो है अब इससे ट्विटर पर बिना उसकी अनुमति के जो छापा गया है उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए क्योंकि उसकी बदनामी हो रही है। तो इस तरह से आज के अखबारों की सुर्खियों से लिए गए कृषि से संबंधित ये महत्वपूर्ण समाचार थे। हम अपनी बात को समापन करने से पहले जैसे आगे भी हम चर्चा करते हैं, हल्की फुल्की बातें भी करते हैं, पहले हम बताएंगे अर्थ प्रकाश का एक सुभाषित, दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। और जो मैंने हल्की फुल्की बात कही, जैसा कई बार मैं कहता रहता हूं, अर्थ प्रकाश में एक पॉकेट कॉलम कार्टून की तरह एक हल्का फुल्का व्यंग्यवान चलता है जिसका नाम है टेंशन खल्लास। पिछले दिनों कल खबरें छपी जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और उनसे बागी जो हैं, जो कांग्रेस से ही राज्यसभा के मेंबर हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनके बीच में टसल कशमकश और आरोप प्रत्यारोप। उन्होंने जाखड़ को बताया कि ये तो तोता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, बादल प्रताप सिंह बाजवा जी ने। उनके ये कहने के कुछ ही समय बाद प्रताप सिंह बाजवा की जो सिक्योरिटी मिली हुई थी पंजाब गवर्नमेंट की ओर से उसको हटा लिया गया और कहा यह जाता है कि उन्होंने क्योंकि कहा था जाखड़ कैप्टन के तोता है इसलिए वो हटाई गई है सिक्योरिटी। इस पर ही हल्का फुल्का जो हमने मुक्तक दिया है वो सुनिए। रोचक तोता मैना किसे जनता देखे मस्ती में, रोचक तोता मैना किसे जनता देखे मस्ती में, असली मुद्दे बांध लगोटी, असली मुद्दे बांध लगोटी लीडर नूरा कुश्ती में, असली मुद्दे बांध लगोटी लीडर नूरा कुश्ती में। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे कल ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।